श्री रामकृष्ण उपदेश विषय उत्तम भक्त नंबर एक। पत्थर यदि हजारों वर्ष तक पानी में पड़ा रहे तो भी पानी उसके अंदर नहीं घुस सकता, पर मिट्टी का ढेला पानी लगते ही गल जाता है। जो विश्वासी भक्त हैं वे हजारों विपत्तियों में पड़ने पर भी हताश नहीं होते, पर अविश्वासी मनुष्य का हृदय सामान्य दुख से ही विचलित हो जाता है। नंबर दो। प्रहलाद की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान ने पूछा, तुम क्या वर चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, जिन्होंने मुझे कड़े कड़े कष्ट दिए हैं उन्हें आप क्षमा कीजिए, उनको दंड देने में पर आपको ही कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही तो सर्वभूतों में विद्यमान हैं। नंबर तीन। एक समय भक्त केशव चंद्र के बारे में सुनकर श्री रामकृष्ण देव को उनसे भेंट करने की बड़ी इच्छा हुई। केशव बाबू उस समय बेलघर के स्वर्गीय जय गोपाल सेन के बगीचे में ब्रह्म भक्तों के साथ वास कर रहे थे। अपने भांजे हृदय को साथ ले श्री रामकृष्ण गाड़ी करके बेलघर के बगीचे में आए। केशव बाबू उस समय ब्रह्म भक्तों के साथ स्नान के लिए जाने की तैयारी में थे। उनसे भेंट होते ही श्री रामकृष्ण देव बोल उठे, इनकी दुम झड़ गई है। यह सुनकर ब्रह्म समाजी भक्त हंस पड़े। केशव चंद्र ने उन लोगों से कहा, हंसो नहीं, ये महात्मा जो कुछ कहते हैं उसका अवश्य ही कोई गूढ़ तत्व है। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेंढक के बच्चे की जब तुम तक दुम रहती है तब तक वह जल में ही रहता है। दुम झड़ जाने पर जल और स्थल दोनों ही स्थानों में रह सकता है। उसी प्रकार जब भगवान के चिंतन से सब अविद्या दूर हो जाती है तब भक्त सच्चिदानंद सागर में डूबा रह सकता है और साथ ही संसार में भी विचरण कर सकता है।